नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम गुप्ता और शिवम्स गैलरी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं ऐसा एप्लीकेशन जिससे आप अपने फोन को पूरा कंप्यूटर जैसा फंक्शन कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने एक पहले भी एक वीडियो बनाया था, वो एप्लीकेशन जो था उसमें आपको कंप्यूटर जैसा दिख सकता है, मैंने वैसा कुछ एप्लीकेशन बनाया था। तो पर दोस्तों, वो एप्लीकेशन में जो था थीम्स वगैरह उसमें ज़्यादा अच्छे थे, जो आपको कंप्यूटर में जो थीम्स मिलता है, जो आपको UI मिलता है वो वैसा नहीं था, थोड़ा सा उससे अच्छा थीम्स दिखने में था। और दोस्तों, अभी जो मैं एप्लीकेशन आपको बताने वाला हूँ, इसका फंक्शन जो है एग्जैक्टली आपको विंडोज कंप्यूटर जैसा दिख जाए मिल जाएगा। थीम्स इतने अच्छे नहीं है, बस अगर दोस्तों आप थीम्स के और थोड़ा सा कंप्यूटर का फंक्शन चाहते होंगे तो आप वो एप्लीकेशन प्रीफर कर सकते हो, उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आपको एग्जैक्ट फंक्शन चाहिए कंप्यूटर विंडोज कंप्यूटर जैसा और थीम्स वगैरह सब वैसा ही चाहिए, तो चलिए आप ये वाला एप्लीकेशन प्रीफर कर सकते हैं। दोस्तों चलिए हम देख लेते हैं हम इसे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसे हम कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, अगर सब हम देख लेते हैं। हमें प्ले स्टोर से डाउनलोड करने वाले, चलिए हम चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर और हम देख लेते हैं हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं कि हम कैसे अपने फ़ोन को एक विंडोज़ कंप्यूटर जैसा फंक्शन कर सकते हैं। हम जाएंगे प्ले स्टोर में और प्ले स्टोर में जाने के बाद हम यहाँ पे टाइप करेंगे विंड्रॉइड और सर्च करेंगे, जो पहला ऑप्शन है उसे हम इंस्टॉल कर लेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं इसका 4.2 का रेटिंग है, 1 मिलियन डाउनलोड से काफ़ी अच्छा ऐप है ये। और आप कुछ चाहें तो यहाँ से आप इसे रीड कर सकते हैं और ये 3.5 MB का ये ऐप है खाली। तो दोस्तों ये इंस्टॉल हो गया है, चलिए हम इसे ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं इसका इंटरफेस क्या है। दोस्तों हमने इसे ओपन कर लिया है और इसका यूज़र इंटरफेस ऐसा कुछ है। दोस्तों चलिए इसे हम रोटेट करके देख लेते हैं कि इसके रोटेशन में कैसा चल रहा है। दोस्तों हम यहाँ से खोल रहे हैं विंडोज़, दोस्तों जहाँ जैसा हमारा PC में इधर विंडोज़ का ऑप्शन होता है वैसा यहाँ पे ऑप्शन है। यहाँ पे आपको नोटपैड मिल जाएगा, दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ से लिखा है और यहाँ से आप सेव कर सकते हैं, आप चाहें तो जिधर आप सेव करना चाहें वैसे आप सेव कर सकते हैं। मुझे तो सेव नहीं करना इसलिए मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो दोस्तों चलिए हम देख लेते हैं आगे और एक इसका कुछ फंक्शंस वगैरह। दोस्तों मैं यहाँ से कैमरा लॉन्च कर लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कैमरा लॉन्च करके कि ये कैसा व्यू दे रहा है। दोस्तों मैंने कैमरा लॉन्च कर लिया, मैं हूँ अपने बैल्कनी में और यहाँ से आप कुछ जैसे आप देख सकते हैं जैसा एग्जैक्ट कैमरे का आता है और यहाँ से आप इसे आप मूव भी कर सकते हैं, यहाँ से आप फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं, आप इधर से शॉर्ट कर सकते हैं, आप यहाँ से इसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं और यहाँ से आप वापस ओपन कर सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था इंट्रो में कि ये आपको फंक्शन बिल्कुल कंप्यूटर जैसा देगा और जो पहले वाला एप्लीकेशन की जो मैंने बनाया था वो आपको देगा फंक्शन एकदम मतलब थीम्स वाला देगा, उसका कंप्यूटर जैसा फंक्शन कम रहेगा लेकिन कम थीम्स उसमें ज़्यादा रहेंगे। दोस्तों मैं फिलहाल कैसे कर लेता हूँ क्लोज और आप समझ गए होंगे कि ये कैमरा कैसा वर्क किया और इसमें कैसा मिनिमाइज वर्क किया। और थोड़ा सा मैं आपको कुछ बता दूँ, यहाँ पे कंट्रोल पैनल से आप यहाँ से सेटिंग में आप देख सकते हैं, यहाँ से मेरे को डबल क्लिक करना पड़ेगा, जैसे मैं सिंगल क्लिक करूँगा तो ये नहीं ओपन होगा, यहाँ से मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ इसे और ये फिर ओपन हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ से आप ऑप्शन देख सकते हैं, ऑटो हाइड का ऑप्शन है, आप यहाँ से शो टास्क बार इन विंडोज ऑलवेज ऑन द टॉप ऑफ आप चाहें तो ये चूज़ कर लीजिए, फिर आगे भी बहुत सारा ऑप्शन आप चाहें तो इसे देख लीजिए। और बैक जाके यहाँ से पर्सनलाइजेशन में से भी कुछ पर्सनलाइज कर सकते हैं, यहाँ से कुछ अगर आपको वॉलपेपर चेंज करना होगा तो। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक फ़ीचर बता दूँ, ये जो लॉकर का फीचर है इसे यहाँ से मैं इनेबल कर देता हूँ, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ पासवर्ड डाल देता हूँ कुछ, तो मैं फुल स्क्रीन करके इनेबल चेंज पासवर्ड और पासवर्ड में जैसे मैं डाल देता हूँ 1234 नेक्स्ट
वापस मुझे इसे करना होगा रिपीट, क्योंकि कंफर्मेशन ले रहा है 1 2 3 4 डन। तो यहाँ से हो गया और यहाँ से मैं कर लेता हूँ सेव और यहाँ से कैसे मिनिमाइज कर ले। दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जब मैं अपना फ़ोन करूँगा लॉक उसके बाद ये मुझे पूछेगा पासवर्ड। तो ये है जैसे एकदम कंप्यूटर में पूछता था आपको, तो वैसा पूछ रहा है और ये ओपन हो गया है। तो चलिए हम इसे कुछ अपना अकाउंट का सेटिंग जो होता है हम वो भी इधर से कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं बैक जा, दोस्तों जैसे यहाँ से आप नाम डालेंगे अपना, यहाँ से अपना नाम डाल लीजिए। अब यहाँ से आपको फ़ोटो चूज़ कर सकते हैं, तो मैं यहाँ से ये फ़ोटो चूज़ कर लेता हूँ और यहाँ से मैं कर लेता हूँ सेव। तो ये हमारा सेव हो गया। मैं जैसे चाहता हूँ बैक अपने, जैसे आपको ऊपर जो मैंने खोलिया यहाँ से मेरा यूज़र नेम और मेरा आईडी आ गया। तो दोस्तों ये आप समझ गए होंगे कि क्या है ये, कैसे वर्क करता है। मैंने इसे वापस हमारे जो टास्क बार था उसमें डाल दिया है। यहाँ से आप इसे ओपन करते हैं, मैं इधर से क्लोज कर लेता हूँ। और दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ से बहुत सारा फंक्शन है, यहाँ आप बहुत सारा ऑप्शन देख सकते हैं। मल्टीमीडिया खुल गया था, यहाँ से शो ऑल ऐप्स करके आप अपने ऐप्स भी ओपन कर सकते हैं यहाँ से बहुत ही ईजीली। जितने भी ऐप्स वगैरह हैं आप चाहे तो उसे यूज़ कर सकते हैं। मैं कैलकुलेटर खोल लिया, जैसे कैलकुलेटर ही ओपन हो गया। तो ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ईजी एप्लीकेशन है, एकदम एग्जैक्ट विंडोज़ पीसी जैसा आपको फील देगा। दोस्तों दोस्तों आप समझ गए होंगे क्या है, कैसे वर्क करता है, इसमें क्या क्या ऑप्शन है और कैसे वर्क करता है। दोस्तों फ़िलहाल के मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ, क्योंकि इसमें और कुछ नहीं है, बस ये जैसे विंडोज़ का वर्क करता है यही सब है। आप इसके सेटिंग में जाके और कुछ देख सकते हैं, जैसे इसके मैंने लगभग सब बता ही दिया है कंट्रोल पैनल का या सेटिंग वगैरह, पर फिर भी आप जाके इसमें और कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो काफ़ी आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा। तो दोस्तों मैं फ़िलहाल के लिए मैं चलता हूँ, हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।